बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अफजाल अरशद, आपके साथ कौन फूड्स पे। रमज़ान स्टार्ट हो गया है और हमें बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स की ज़रूरत होती है, तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं ये भी उसी रिलेटेड है। एक ड्रिंक है जिसको आप इफ्तार के अंदर बना सकते हैं और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं शिकंजी। नॉर्मल शिकंजी नहीं है, मसाला शिकंजी है। सबसे पहले इसका मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए कौन सी चीज़ें और कितनी मकदार में चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इधर मेरे पास धनिया है जो कि 25 ग्राम है, इसके टेबल स्पून्स मैं नीचे लिख दूँगा। दूसरे नंबर पे इधर मेरे पास काली मिर्च है जो कि 10 ग्राम है। नमक है सफ़ेद 7 ग्राम है, काला नमक है ये इधर मेरे पास है जी 10 ग्राम। और ज़ीरा है ये इधर मेरे पास 20 ग्राम है। अब ज़ीरा और ये जो धनिया है इसको मैंने रोस्ट किया हुआ है अलग अलग। अब करना क्या है कि इन सब मसालों को आपने मिक्स कर लेना है। और ये आपके पास एक मिक्सचर आएगा, इसको आपने कर लेना है ग्राइंड। अच्छी तरह इसको ग्राइंड करें और इसका पाउडर बना लें। ये हमारी शिकंजी का मसाला बन जाएगा, ये इस तरह की शक्ल में आएगा और इसको हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, इधर मेरे पास पुदीने के कुछ पत्ते हैं, आपने एक पेस्टल मोटर लेके इनको कूटना है थोड़ा सा। आप किसी भी चीज़ से कूट सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब इनकी जो खुशबू है वो निकल आए। खुशबुएँ आ रही हैं मुझे यहाँ तक, तो यही है कि पत्तों को थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे तो बेहतरीन इनकी खुशबू निकल आएगी। तो इधर मेरे पास काफ़ी फ्रेश लेमन है, इनको जो है इधर काट लेना आपने। अब सारी चीज़ें हमारी तकरीबन तैयार हैं, इनको करते हैं सर्विंग। मैं दो तरह के बना रहा हूँ इधर, एक कार्बोनेटेड वाटर से, जैसे आप स्प्राइट या सेवन अप कह सकते हैं, उसके अंदर पहले से शुगर होती है, चीनी होती है, मीठा होता है, वो उसके अंदर आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम बनाएंगे पानी से, उसके अंदर शुगर की थोड़ी सी क्वान्टिटी जाएगी। दो ग्लास ले लें इनके अंदर। अब ये जो हमने पुदीना कूटा था ये थोड़े थोड़े पत्ते इसके अंदर शामिल कर दें, दो दो तीन तीन पत्ते। उसके बाद इसके अंदर ये जो लीमू हमने इधर रखे हैं तो ये लीमू जो हैं इनके अंदर निचोड़ देंगे। उसके बाद जिसके अंदर हम सोडा नहीं शामिल कर रहे उसके अंदर मैं चीनी शामिल करूंगा। उसके बाद इधर मेरे पास ये शिकंजी मसाला है, ये तकरीबन आप आधा टीस्पून के बराबर एक सर्विंग में शामिल करें। ये इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो नहायत बेहतरीन है आपके इम्यून सिस्टम के लिए, तो दोनों के अंदर हमने शामिल कर दिया है ये मसाला। आइस है मेरे पास बर्फ़, ये हम शामिल करेंगे। और जो दूसरी है उसके अंदर हम सोडा शामिल करेंगे। हिला दें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये जी आपकी बेहतरीन शिकंजी तैयार है, नहायत बेहतरीन जायका है। मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकता हूँ इस टाइम पे, लेकिन आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पता चल जाएगा कितना बेहतरीन जायका है इसका। मसाला बना के रख लें और जितनी शिकंजी आपने बनानी हो अपने टेस्ट के हिसाब से एक दो दफ़ा बनाएं, आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा और ये बेहतरीन आपकी शिकंजी बन जाएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।